ये जयनगर में जो जाम की समस्या है सर और लोगों की परेशानी है, इस संबंध में नगर पंचायत की ओर से क्या पहल किया गया है सर? नगर पंचायत जयनगर की ओर से जयनगर वासियों को हार्दिक अभिनंदन है। और आप जो क्वेश्चन किए हैं, जो यहाँ जाम की समस्या, यहाँ सबसे मेजर प्रॉब्लम जो SFC गोदाम है उसके चलते होता है। बड़ी बड़ी वाहन आती है और यहाँ का जो रोज़मर्रा जो नेपाल से अत्यधिक लाभुक लोग आते हैं, वहाँ के लोग जो मार्केटिंग करने आते हैं, मोटरसाइकिल लेके आते हैं, वो लोग यत्र तत्र जो लगा देते हैं, तो इसलिए करके मेरा शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। अभी भी रमजान का समय है, प्रायः हम देखते हैं 10 बजे के बाद हर चौक चौराहा रोड जो है अस्त व्यस्त की स्थिति में आ जाती है। खास करके जब भी SFC गुना में खाद्यान्न का उठाव होता है तो उस समय तो लगातार 3 दिन तक आपको स्टेशन से ले कर और पटना गद्दी चौक इवेन ब्लॉक के कॉर्नर तक पूरा अस्त व्यस्त की स्थिति बनी रहती है। सर, मुख्य मार्ग पर मैं देखता हूँ कि सैकड़ों मोटरसाइकिलें लगी रहती है और आवागमन प्रभावित रहता है। इसके लिए हम लोग विगत सप्ताह बुद्धिजीवी वर्गों से और व्यवसायी वर्गों से बैठ के हम लोग निर्णय किए थे। जो अब हम लोग अपने ऑफिस के पीछे किसान भवन जो दीवावन बना है, वो जो मेरा स्पेस है, उसमें हम लोग मार्केटिंग करके उसमें साइकिल मोटरसाइकिल का व्यवस्था 1 सप्ताह के अंदर कर लेंगे। इस संबंध में कोई पहल हुआ सर? अभी हम लोग अकॉर्डिंग कागज पत्र तो शुरू कर दिया है, फील्ड पर करना बाकी है, 1 सप्ताह में हम लोग कर लेंगे। 1 सप्ताह में कर लेंगे सर? हाँ, 1 सप्ताह में हम लोग ये जो है साइकिल मोटरसाइकिल का कर लेंगे। किस जगह पर ये पार्किंग कर बना रहे हैं सर? जस्ट आपका विवाह भवन मेरा है और दुकान जो बना है उसी के सामने, पानी टंकी के बगल में सर। हाँ, और बड़ी वाहन के लिए हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी से अनऑफिशियल बात किए हैं, एक रोज बैठ करके निर्णय करेंगे। उसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय रहेंगे, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय रहेंगे और बुद्धिजीवी रोल में, तब हम लोग उसको मुहिम चला करके इस काम को अंजाम देंगे। सर, एक चिल्ड्रेन पार्क की चर्चा भी हमने सुना था, ये क्या है सर चिल्ड्रेन पार्क? चिल्ड्रेन पार्क जो आप ब्लॉक के सामने देख रहे हैं, ऑलरेडी जो जमीन वो 2013 में ही बना हुआ पार्क है, उसमें जितना हुआ हम लोग ब्यूटिफिकेशन कर चुके हैं, फिर उसमें कुछ आपको लाइट और पानी का व्यवस्था करना है, उसके लिए हम लोग निर्णय कर लिए हैं बोर्ड में। हो सकता है तो कुछ और ब्यूटिफिकेशन के लिए हम लोग बच्चे और के लिए कुछ जिम और टाइप का व्यवस्था कर देंगे।